نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا صدق اللہ العظیم The teachers of us of Darululom Zakia and my dear students and the people of Qasmi Dhurha, a very good morning to all of you. First of all, I would like to give many thanks to our Honorable Qari Arshad Sahab. Because of him, he has given me a golden chance to come with you and to say some words before you. So, I would like to come to the point without wasting our precious time. I humbly request you to have a care and let me proceed. Dosto, sabse pehle main shukriya ada karunga Qari Arshad Sahab ka. I was not able to deliver a speech today, but he told me that you will have to deliver a speech yesterday, tomorrow. So I am standing here before you. मैं actually तैयार नहीं था तकरीर करने के लिए, लेकिन मौलाना है अधिकारी असद साहब ने मुझे कल रात कहा कि आपको तकरीर करनी है, तो मैं आ गया। बहरहाल ना अच्छी तरह स्टडी की है और न ही पहले का मुताला है। बहरहाल थोड़ा बहुत जो मैंने YouTube से और इस तरीके से पहले की जो किताबें मुताले थी उससे मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। ये आजादी 15 अगस्त 1947 को हमें बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली। दोस्तों, ये आजादी क्यों कर करना पड़ा, ये मेहनत, ये जद्दोजहद क्यों कर करनी पड़ी, अगर ये सारी चीजें तफसीलात के साथ सुनाई जाए तो बड़ी मुद्दत सरकार है, क्योंकि इसकी इब्तिदा आपके गोवा वास्को डिगामा से शुरू हुआ था, जहां एक ताजिर आया था डिगामा में, इसीलिए उसका नाम वास्को डिगामा पड़ा। तो वहां से अंग्रेज की चेले चलकर दिल्ली तक पहुंचे, इतना लंबा सफर और कितने साल मुद्दत गुजरे, इनको चंद मिनट में और चंद सेकंड में और चंद वर्ड में इट इज आई कैन से दैट इट इज इम्पॉसिबल। सो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला बोलने वाले और उनकी मुखालफत करने वाले 1686 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज उठाई और उनको भागने का हुक्म दिया, लेकिन फसाद बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते फांसी के मैदान में सिराजुद्दौला को जंग करना पड़ा, फिर वहां से जंग करते हुए अंग्रेज सिराजुद्दौला को कत्ल करके सादिकपुर पटना पहुंचा, पटना से अपने बहुत सारे औरतों को कत्ल करके और मर्दों को भी कत्ल करके आगे उत्तर प्रदेश पहुंचता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते देखता यह है कि टीपू सुल्तान शेर भंवर बनकर खड़ा है, लेकिन दोस्तों वह शेर कब तक फंस सकता था, यह अंग्रेज के मुकाबले में वो भी हार जाता है। बिलाआखिर 1799 में उसे कत्ल कर दिया जाता है। मुहर्रिस कहता है कि वो टीपू सुल्तान जब शहीद कर दिए गए तो 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, लेकिन अंग्रेजों की जरूरत ना हो सकी कि वहां जाकर वो देख सके, लेकिन दोस्तों 3 दिन के बाद जब पता चला कि वो शहीद हो चुका है, तब अंग्रेज के चेले चपा के जाकर वहां कहते हैं कि हिंदुस्तान वालों सुन लो, अब तुम्हारा शेर मर चुका है, अब हम हिंदुस्तान में आजादी की नहीं लहर चलने देंगे, अब तुम गुलाम बन चुके हो, अब तुम मेरे शिकंजे में आ चुके हो, अब मैं यहाँ का खालिद हूँ, मैं जो चाहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उसे कहाँ खबर थी कि जिस मैदान से, जिस पार्लियामेंट से वो ऐलान कर रहा है, उसी धरती पर शाह अब्दुल अजीज महदी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, चुनाचे उन्होंने जंग का ऐलान किया और कहा कि मुसलमानों सुनो, आज तुम गुलाम हो चुके हो, तुम्हारी आजादी के लिए लड़ना जरूरी है, तुम प्रबल हो चुका है कि तुम जहाद करो। चुनाचे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाई ने, सब ने मिलकर एक जंग लड़ी और उसके बाद बहुत जिद्दोजहद के बाद ये आजादी मिली। बहरहाल वहां से जंग चलता चलता
जब हुसैन अहमद मदनी तक पहुंचता है, यानी 1897 तक पहुंचता है, तो जंग का मंत्र ही कुछ अजीब हो गया है। अगर इसको तस्वीर से पढ़ा जाए तो मैं कह सकता हूं कि कलेजा मुंह को आ जाए। यकीन मानिए, जब मैं पढ़ता हूं तो एक जुरत और एक हिम्मत और रोना आता है कि उमर के राम को किस किस तरीके से फांसी दी गई। मौलिक लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक में कोई ऐसा कार्य नहीं था जो हवलमा को लटकाया ना गया हो। मौलिक लिखता है, टॉमसन कहता है कि मैंने जलने की बू सुनी तो मैंने जाकर देखा कि मजरा क्या है, तो देखता क्या हूं कि 400 मैं ग्राम को बुलाया जाता है, नंगा करके कहा जाता है कि तुम ये कह दो कि फतवा देने वाले में तुम शामिल नहीं हो, यार तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ मालमाय के राम पर। उन्होंने ये तो गवारा कर लिया कि सीधे कड़े आग में जल जाए, लेकिन ये गवारा ना किया कि वो इंकार कर जाए। चुनाचे टॉमसन कहता है कि 40 चला दिए गए, फिर 40 और फैलाए गए, 40 मजे कर गए, फिर उस आग में डाल दिए गए। मेरा मौत हम बोल रहा हूं स्वागत तो सही, ये कैसा मजा रहा होगा जब एक दूसरे को भी जाए तो मौत कैसा जाता है, तो बताओ 40-40 हमारे ग्राम मुसलमान 5 लाख शहीद कर दिए गए हो, 52,000 और हमारे ग्राम को शहीद किया गया हो, तुम्हारी सफाई क्यों नहीं डाकते, तुम क्या बड़े नहीं होते, तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है, तुम्हें इसलिए यहाँ से क्यों उड़ा रहे हो, इस मोहल्ले से क्यों उड़ा रहे हो, क्या तुम अंदर याद करो, बदल को याद करो, रसन मैम याद करो, अपने अंदर पावर लाओ, ईमान पावर पैदा करो और बता दो कि हम सऊद अयूबी की औलाद है, हम अबू बकर उमर की औलाद है, हम यू ही नहीं छोड़ सकते। और यही काम हमारे हुसैन अहमद मदनी दामद बरकात उन्होंने किया और उन्हें बताया कि तुम जिससे टकरा रहे हो वो सिपाही सालार हजरत उमर का है, वो गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, ये जल सकता है, मर सकता है, कर सकता है, लेकिन अपने ईमान से परख जाए ये हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों मुख्तसर ये कुछ मुजाहिद की ललकार भी अजीबो गरीब, जब हुसैन अहमद मदनी को खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया उस वक्त उनको शूट आउट कर देने का हुक्म दिया गया था, वो निकल नहीं सकते थे, लेकिन 2 दिन तक वो हुजरे में बंद रहे। इसके रसूल दिखाने जा रहा हूं आपको, अब हमेशा हर मुसलमान के दावा करता है इसके रसूल इसके रसूल, जरा मरने के टाइम भी इसके रसूल दिखाओ तो क्या बात बने। उमर मुजाहिद इसके रसूल दिखाता है और 2 दिन तक हुजरे में बंद रहता है, उसके बाद जब खिलाफत कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, जबकि लोग सोच रहे थे कि अब शायद हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन सर पर कफन बांध कर वो आता है तो लोग झूम उठते हैं और उसके बाद वो उमर मुजाहिद ये शेर पढ़ता है, बुलबुल ये फिरती है चोंच में गुल, शहीद नास को दुर्बत कहां। मौलिक लिखता है कि जब उन्होंने ये शेर पढ़ा तो आधे घंटे तक लोग नारा लगाते रहे, उसके बाद जो मौलिक लिखता है वो सुनने के काबिल है कि उन्होंने एक शेर कही जिसका मतलब यह था कि ये अंग्रेज को बुलबुल से तस्वीर दिया और कहा कि बुलबुल लिए फिरती है चोंच में गुल, कि तुम्हारे शहीद दान से तुरंत कहा कि तुम हम जैसे मुजाहिद को कहां ललकार सकते हो। बिलाआखिर उन्होंने ललकारते हुए सारे अंग्रेजों को ललकारा और उन्हें बताया कि मर्द मुजाहिद को तुम ललकार नहीं सकते। मेरे मोहतरम बस मुख्तसर ये कि अपने अंदर वो इत्तेहाद वो ईमानी ताकत पैदा करो ताकि अच्छे से अच्छे नेता अच्छे से अच्छे लीडर सहल जाए, उनके कांप उठे जब तुम्हारे मुसलमानों का नाम सुने। आज तुम पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारे पैरहन न आज की से आएगी, तुम्हारे पैरहन न तुम्हारी आज की से आएगी, जमीन से खुशबू हमारी ही आएगी। तुम बदलते हो तारीख बदल डालो, तुम बदलते हो तारीख चाहे जितनी बदल डालो, जमीन से मेरी खुशबू आएगी। तुम तारीख को मिटाकर क्या करोगे, तुम दर दीवार से पूछोगे तो बताएंगे, शामली के मैदान से पूछोगे तो बताएंगे, चांदनी चौक से पूछो वो तुम्हें बताएंगे,
तेरे दर दीवार से जहां जहां जाकर पूछो वो तुम्हें घर गीत गाएगी और सुनाएगी कि मुसलमानों ने जिहाद में हिस्सा लिया है। सिर्फ न एक हिस्सा लिया, मेरे दोस्तों एक अजीब सी बात सुनाओ कि हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया, सिखों ने भी हिस्सा लिया, ईसाई ने भी हिस्सा लिया। एक बहुत अजीब बात जो शायद कोई भी जानता हो, जब असिरा में मार्च था, अरे मार्च में लोगों को कैद कर दिया गया तो उनमें एक पंडित साहब भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब हिंदू भाई गलत होते हैं, लेकिन एक बता रहा हूं कि हमारा कोई भी आलिम, कोई भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा जो असिरा में माल्टा में से ये कहने पर मजबूर हुआ हो, अंग्रेजों से माफी मांगी हो कि हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामोदरबारका तुमने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हें अपनी तारीख ही नहीं मालूम तो तुम क्या दावा कर सकते हो कि हम हिंदुस्तानी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं जब एक दूसरे मुल्क में गया तो एक किताब उठाई, उसमें लिखा था, वो इंग्लिश की किताब थी, उसमें लिखा था कि जब असिरा में माल्टा वहां पहुंचे तो माल्टा के बहुत सारे जो वहां कैदी थे उनमें से पंडित भी थे, उन्होंने कितनी मतलब सात दफा उस नील तीजा की अंग्रेजों से और माफी मांगी कि मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों आलिम या मुसलमानों में से तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा कि एक ने भी माफी मांगी हो। मैंने अभी आपको वाक्य सुनाया कि उलमा इकराम को जला दिया गया लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। और टॉमसन ये भी लिखता है उलमा इकराम को गोली में बंद करके दरिया में फेंक दिया जाता, फिर उनको गोली का निशाना बनाया जाता। तो ये थे हमारे उलमा इकराम। मोहतरम दोस्तों, बहुत जरूरत है कि अपने अंदर इतिहास पैदा करे। हमने जो फर्स्ट में आयत पढ़ी थी वहां तस्वीर हो गया अल्लाह जमिया कि अगर तुम अल्लाह ने फरमाया अगर तुम एक रस्सी को मजबूती से पकड़ लो तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अंदर इतिहास पैदा करो और उन्हें बता दो कि इतिहास से ही हिंदुस्तान कायम है। जिस दिन ये इतिहास टूट गया हिंदुस्तान भी टूट जाएगा। बस इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाकिल दवा अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। दिस इज कासिम अली स्टैंडिंग आउट। हैव अ नाइस डे।